नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, लोकसभा चुनावों के पहले चरण में तो इंडिया गठबंधन के बीजेपी पर भारी पड़ने की खबरें आ चुकी हैं, आप सब ने देख लिया। 19 तारीख को पहले फेज का मतदान हुआ था और उसके बाद ये खबर चलने लगी कि इंडिया गठबंधन इस पहले फेज में बीजेपी पर भारी है। और अब सवाल उठने लगा है कि दूसरे फेज में कौन किस पर भारी पड़ेगा। ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पिछले शुक्रवार से आज गुरुवार तक सियासत में कई उलटफेर हो चुके हैं, जिनमें बीजेपी कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी ही मोर्चा संभाले हुए हैं और जगह जगह रैलियां करते हुए वो कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में झूठ फैलाते जा रहे हैं, लेकिन उनके झूठ पकड़ाई में भी आ गए हैं और चुनाव आयोग में इसकी शिकायत भी हो गई है। चुनाव आयोग ने नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों के भाषणों पर मिली शिकायतों के आधार पर भाजपा और कांग्रेस के अध्यक्षों से जवाब मांगा है, यानी भाजपा की तरफ से जेपी नड्डा से जवाब मांगा है और कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से जवाब मांगा है चुनाव आयोग ने। लेकिन इस बीच जनता भी अपने जवाब के साथ तैयार है, जो कल सुबह से 7 बजे से वोट पड़ने के साथ ही ईवीएम में उनके जो जवाब हैं वो बंद हो जाएंगे। मोदी के भाषण और राहुल गांधी को लेकर बढ़ते हमले बता रहे हैं कि अब मोदी राहुल गांधी से बुरी तरह खौफ खाने लगे हैं। हालांकि राहुल गांधी अपनी चाल में आगे बढ़ते जा रहे हैं और कल उन्होंने, आपको याद होगा और उस बाइट को आपने सुना होगा जिसमें उन्होंने ठकाठक वाला बयान दिया था। उन्होंने कल कहा था कि ठकाठक 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 आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। तो ये जो ठकाठक वाले बयान से मोदी पर उन्होंने खूब हमला कल किया था, तो आज बिल्कुल ही अलग अंदाज में, अलग तरह से जनता से कांग्रेस को वोट देने की राहुल गांधी ने अपील की। आइए जरा राहुल गांधी की इस अपील वाली बाइट को सुनते हैं, सुनिए। नमस्कार, मैं राहुल गांधी। ये चुनाव लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ बीजेपी और आरएसएस जो लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है और संविधान को नष्ट कर रही है, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस जो संविधान को और लोकतंत्र को बचा रही है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम पैदल चले, 4000 किलोमीटर चले, मणिपुर से महाराष्ट्र चले, आपसे बातचीत करके आपके दिल के अंदर जो था उसको सुनकर हमने क्रांतिकारी मैनिफेस्टो बनाया है। ये आपका मैनिफेस्टो है, कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, मगर आवाज आपकी है। 5 गारंटीज दी हैं हमने। नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों को अरबपति बनाया, हम करोड़ों महिलाओं और युवाओं को लाखपति बनाने जा रहे हैं। किसानों को गारंटी लीगल MSP दे रहे हैं, उनका कर्जा माफ कर रहे हैं, मजदूरों को मिनिमम वेज 400 रुपए की दे रहे हैं। तो ये देश को बदलने का मैनिफेस्टो है, क्रांतिकारी मैनिफेस्टो है। कांग्रेस पार्टी का समर्थन कीजिए, संविधान को बचाइए, हाथ के बटन को दबाइए। तो राहुल गांधी के इस मैसेज, इस संदेश की अब खूब चर्चा हो रही है। लोग देख रहे हैं कि वोट मांगने का एक तरीका ऐसा भी हो सकता है जिसमें ना हिंदू मुसलमान की बात हो, ना कोई चीखना चिल्लाना हो, और बिल्कुल शांत होकर जनता से वोट मांगा जाए, और वो भी अपने कर्मों यानी कि उन्होंने जो किया है उसके आधार पर। वैसे चर्चा तो आज उत्तर प्रदेश की भी खूब रही है दोस्तों, क्योंकि आज कन्नौज से अखिलेश यादव ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं अब राहुल गांधी भी अमेठी पहुंचने की चर्चा कर उनकी भी चर्चा है कि राहुल गांधी अमेठी जल्दी पहुंचेंगे, यानी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। पहले इस ट्वीट को देखिए, अखिलेश यादव ने जिस ट्वीट किया है उस ट्वीट को देखिए, सुनिए, देखिए जरा। अखिलेश यादव यहां इस ट्वीट करते हुए एक पुरानी तस्वीर साझा कर रहे हैं, लिख रहे हैं, फिर इतिहास दोहराया जाएगा, अब नया भविष्य बनाया जाएगा। कन्नौज से जब इन्होंने आज से कई साल पहले जब नामांकन भरा था उस समय की यह तस्वीर है, उस तस्वीर को साझा करते हुए अखिलेश यादव लिख रहे हैं कि फिर इतिहास दोहराया जाएगा, अब नया भविष्य बनाया जाएगा। ये ट्वीट जो है ये अखिलेश यादव ने कन्नौज से जब उन्होंने अपना पर्चा भरा है, नामांकन दाखिल किया है, उसके बाद है। अखिलेश यादव इतिहास को याद करते हुए भविष्य की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की इस इत्र नगरी पर समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है, आप जानते हैं। मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव तक की राजनीति कन्नौज से ही आगे बढ़ी है, लेकिन पिछली बार ये सीट बीजेपी के खाते में चली गई थी और अब अखिलेश यादव को आगे बढ़ने का कोई भी मौका जो है वो बीजेपी जो है वो नहीं देना चाहती है, लेकिन अखिलेश यादव यहां उस मौके पर चौका लगाना चाहते हैं। आइए जरा सुनते हैं अखिलेश यादव इस मौके पर कह क्या रहे हैं। ये जोश और उत्साह बता रहा है कि कन्नौज की जनता इस बार रिकॉर्ड बनाने जा रही है, रिकॉर्ड बनाने।
मैं आपको भरोसा दिलाता हूं आपके माध्यम से कन्नौज की जनता को मैं भरोसा दिलाता हूं कि जो सुगंध, जो कन्नौज की पहचान थी, जो कन्नौज ने एक भाईचारे का संदेश दिया, वो जो कन्नौज की खुशबू जो पूरी दुनिया में पहुंची और फैली, मैं उस संस्कृति को और कन्नौज के विकास को और कन्नौज की सुगंध को और आगे बढ़ा करके इतिहास में नाम दर्ज हो, इस तरह का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। तो आप सुन रहे थे यहां अखिलेश यादव को। वहीं अब राहुल गांधी के अमेठी जाने की चर्चा भी तेज हो गई है। वहां वहां जो गेस्ट हाउस है उसमें हो रही रंगाई पुताई से माना जा रहा है कि राहुल गांधी अब अपने पुराने संसदीय क्षेत्र में लौट रहे हैं। उधर प्रियंका गांधी की भी खबर है कि प्रियंका गांधी अपनी मां की जो विरासत है उसको आगे बढ़ाने जा रही हैं, यानी रायबरेली को वो आगे बढ़ाएंगी। रायबरेली से प्रियंका गांधी और अमेठी से राहुल गांधी, इसकी चर्चा खूब है उत्तर प्रदेश में। स्मृति ईरानी उसी अमेठी से वर्तमान सांसद हैं और स्मृति ईरानी की परेशानी भी यही बयां कर रही हैं कि शायद कहीं ना कहीं राहुल अब यहाँ आने वाले हैं। दरअसल 24 अप्रैल को, यानी कल, जो बीता हुआ कल है, स्मृति ईरानी की एक रैली थी अमेठी में और उस रैली में भीड़ नहीं आई, जिस पर स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने मेरी रैली में बाधा डालने के लिए गुंडे भेजे हैं, मैं राहुल के गुंडों से नहीं डरने वाली। हालांकि कांग्रेस ने स्मृति ईरानी के इस आरोप को जरा सा भी महत्व नहीं दिया, क्योंकि वो ये वैसा ही आरोप है कि कांग्रेस महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लेती है। लेकिन स्मृति ईरानी का यह बयान अब बता रहा है कि उन्हें भी, यानी स्मृति ईरानी को भी, अब सत्ता जाने का डर लग रहा है, डर सता रहा है। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में इसी बात की चर्चा करेंगे कि क्या बीजेपी के ये डर दूसरे दौर में फिर से इंडिया गठबंधन की बढ़त बढ़ा रहे हैं, दिखा रहे हैं, क्या कल सियासत की नई इबारत लिखी जाएगी, और सबसे बड़ी बात कि क्या आज के कई सारे घटनाक्रम के बाद ये कह सकते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में एक नया ट्विस्ट आ गया है, नया मोड़ आया है। क्योंकि कल जैसे ही खबर मिली कि अखिलेश यादव कन्नौज से खड़े हो रहे हैं, नामांकन दाखिल कर रहे हैं, अचानक अखिलेश यादव ने सरप्राइज देते हुए ये घोषणा अखिलेश यादव की पार्टी ने की और आज उन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया है, हक्का बक्का रह गई बीजेपी। क्या ऐसे ही आगे कुछ और भी सरप्राइज देने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब पूरा जोर आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे। क्या कुछ और गुल खिलाने जा रहा है इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में? इन सब की चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं, हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी, हमारे साथ शकील जी हैं, हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप चारों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे साथी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। दीपक जी, आपका भी स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में और सीधा आना चाहता हूं, बढ़ते हैं आगे। प्रोफेसर रविकांत जी, आपके पास आता हूं और आपसे ही समझना चाहता हूं कि क्या कुछ आप देखते हैं। एक तरफ आज देखिए, दो चुनाव आयोग की तरफ से दो नोटिसेस जारी होते हैं, जारी किए जाते हैं, जिसमें एक कांग्रेस को, एक बीजेपी, दोनों के अध्यक्षों को, लेकिन डायरेक्ट न ही राहुल गांधी को और न ही नरेंद्र मोदी को। यह कौन सा खेल खेल रहा है चुनाव आयोग, ये जरा आपके जरिए समझना चाहता हूं। दूसरी बात महत्वपूर्ण कि कल चुनाव है दूसरे फेज का, उससे पहले चुनाव की दहलीज पर, दूसरे फेज की दहलीज पर जो कुछ चल रहा है उसमें कितना भरोसा, कितना विश्वास चुनाव आयोग बना पाया है, और नरेंद्र मोदी पहले फेज से दूसरे फेज तक, यानी पिछले शुक्रवार से लेकर आज गुरुवार तक, नरेंद्र मोदी के जो बोल और तीखे होते गए हैं उसकी धरातल पर क्या प्रतिक्रिया है? ये 3 सवाल आपके सामने रख रहा हूं प्रोफेसर रविकांत जी। देखिए राजीव जी, चुनाव आयोग की तो विश्वसनीयता अब रत्ती भर नहीं बची। लोग खुद ही कहने लगे हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, और इसीलिए इस समय इंडिया अलायंस के पक्ष में लोग बहुत मजबूती के साथ खड़े हो रहे हैं। उनकी जो आशंका है कि कहीं कोई खेल ना कर दे चुनाव आयोग, इस वजह से वो और भी ज्यादा मुस्तैदी के साथ इंडिया अलायंस को मजबूत करने के लिए खड़े हो रहे हैं। ये जो
नरेंद्र मोदी का भाषण था, मुझे लगता है वो भाषण उनकी अपनी बदहवासी का, अपनी बौखलाहट का नतीजा था। दरअसल पहले चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने गढ़ में शिकस्त खा रही। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही है, ये आश्चर्यजनक है मेरे लिए भी। मैं भी नहीं सोचता था कि भारतीय जनता पार्टी इतनी कमजोर पड़ जाएगी, और वो कमजोर सिर्फ इसलिए भी नहीं पड़ी है कि विपक्ष बहुत मजबूती से और बहुत जिंदा दिली से चुनाव यहां लड़ रहा है, ऐसा भी नहीं जी। लेकिन जो हम लोग बात करते रहे हैं कि इस समय देश के नागरिक चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष को जिस तरह से फंसाया है इन्होंने, ईडी के जरिए, इनकम टैक्स के जरिए हमले करवा के, ट्विटर पर गाली दिलवा के, रोज ट्रोल करवा के, तो विपक्ष को आप जितना कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब देश में समूचा जनमानस ही विपक्ष हो जाए तो फिर कोई भी सरकार, कोई भी तानाशाह नहीं टिक सकता। और इस देश की जनता ने इस बात को, मुझे लगता है कि पहचान लिया है कि यह देश तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है, और इसीलिए उसे रोकने के लिए, इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए, लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए, संविधान की सुरक्षा के लिए लोग खुद ब खुद खड़े हो गए हैं। और यही वजह है कि जहां नरेंद्र मोदी 400 पार का नारा दे रहे थे, असली हालत वही होने जा रही है जो तेजस्वी यादव ने कहा, 400 हार, कितनी सीटें बचा पाएंगे नरेंद्र मोदी। और उसी बौखलाहट में वो हिंदू मुसलमान पे आ गए। ये देश बहु संस्कृति को पसंद करता है, और ये साबित हो गया है। मैं तो इस बात को 2 साल से 3 साल से कहता आ रहा हूं कि इस देश को कोई तोड़ नहीं सकता, धार्मिक आधार पर इस तरह से नहीं विभाजित कर सकता कि वो सीधे तौर पर 2 देशों में तब्दील हो जाए। हालांकि कोशिश बहुत हुई, बहुसंख्यक बाद का हमला बड़ा तेज हुआ, और इस बात को गांधी जी भी कहते थे, मैं तो हिंदी का विद्यार्थी हूं तो प्रेमचंद भी कहते थे कि जो बहुसंख्यक बाद है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आगे चल करके, और ये इन्होंने कोशिश की कि उसको किसी तरीके से सारे एजेंडे को दरकिनार करके और केवल हिंदू के नाम पर हम लोगों को मोबिलाइज कर जाए एंटी मुस्लिम या एंटी माइनॉरिटी। लेकिन सीएसडीएस के सर्वे ने बता दिया कि नहीं साहब, 80% से ज्यादा लोग ये कह रहे हैं कि ये देश सबका है। तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है, अगर उत्तर प्रदेश की आप बात करें तो उसमें खास करके ठाकुर वोटर, भले ही योगी जी मुख्यमंत्री है, लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी उनके भी पर कतरने पर आमादा है, रमन सिंह को उन्होंने मुख्यमंत्रीशिप से हटाया, राजनाथ सिंह की तो क्या बेइज्जती की गई कि माला के भीतर भी नहीं आ सकते हम, गुजराती लॉबी की आंखों में वो क्या था कि जेपी नड्डा को बाहर निकलना पड़ा, राजनाथ सिंह को दरकिनार होना पड़ा वहां से लेकर के, और जनरल बीके सिंह का आपने टिकट काटा, सुरेश राणा का टिकट काटा, लोगों में ये आशंका हो गई कि गुजराती लॉबी तो ठाकुरों की पूरी राजनीति को ही खत्म करना चाहती है, इसलिए वो लोग खड़े हो गए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और कहीं कहीं वो साइलेंट मोड पर चले गए, चुनाव डालने के लिए ही नहीं गए। जो कम वोटिंग हो रही है, राजीव जी मैं अभी दिल्ली और गाजियाबाद के आसपास से होकर के आ रहा हूं, वहां लोगों से मैंने बात की है, तो जो वोट परसेंटेज कम हो रहा है वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर नहीं पहुंच रहा है, और मोदी जी उसी को कहीं से उत्तेजित करने के लिए ये मंगल सूत्र, हिंदू मुसलमान ये करने पर आमादा है। लेकिन इतना आसान अब नहीं रह गया है, क्योंकि भले ही वो नरेंद्र मोदी को पसंद करने वाला व्यक्ति हो, लेकिन उसका बेटा भी जब बेरोजगार अगर बैठा है तो क्या वो वोट डालने के लिए जाएगा? जिसके घर में एक व्यक्ति बगैर पेंशन का बैठा हुआ है, वो क्या नरेंद्र मोदी को वोट करेगा इस बार? और मिडिल क्लास गरीब की तो हालत ये है कि वो ठीक ढंग से भोजन नहीं कर पा रहा है, यहां तो रोटी नसीब नहीं हो रही है, और देश को आपने कहां पहुंचा दिया, 81 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हैं, और अब तक की सबसे बड़ी असमानता की खाई, और ये दिखाता है कि भारत को अपाहिज बनाने की,
जो कुपोषित बनाने की कोशिश नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जनता उठ खड़ी हुई है, ये आग उसके भीतर है जिसने अंग्रेजों को यहां इस देश से निकाल करके बाहर फेंक दिया जी। गांधी, नेहरू, अंबेडकर, भगत सिंह के नेतृत्व में आज अगर राहुल गांधी सीना तान करके खड़े हैं और ये कह रहे हैं कि संविधान कौन माइकलाल हटाएगा, पूरा जो टर्निंग प्वाइंट है राजीव जी वो दो बिंदु है, एक कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो जिसने उस पूरे माहौल को गरमा दिया और लोगों को दिखाया कि नहीं ये है असली, ये है उम्मीद है जिसको पूरा किया जा सकता है, और राहुल गांधी जैसा व्यक्ति, कमिटेड व्यक्ति जब ये बात कह रहा है तो ये होगा। और ब्लेंडर हुआ मोदी के लोगों से, ब्लेंडर क्या वो आशंका है कि ये संविधान खत्म करेंगे, और उस बात को राहुल गांधी ने जमीन तक पहुंचाया और यहीं से पूरा चुनाव मोड़ ले चुका है। अब मुझे लगता है कि केवल वोटिंग बाकी है। मैं एक आखिरी बात कहूंगा जी, बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पार्लियामेंट के बाहर लगी हुई और उस प्रतिमा के बाएं हाथ में भारत का संविधान है और दाएं हाथ की उंगली कुछ इशारा कर रही है। जिन लोगों को बाबा साहब से नफरत थी उन्होंने उंगली भी तोड़ी, उन्होंने मूर्तियां भी अपमानित की, लेकिन आज मेरी समझ में आता है कि बाबा साहब की मूर्ति कह क्या रही है कि ये जो तुम्हारा सुरक्षा कवच है, ये जो संविधान है, उसकी रक्षा करना, क्योंकि ये आएंगे। उन्होंने तो अपने मंसूबे 30 नवंबर 1949 को ही बता दिए थे कि इन्हें मनुस्मृति के आधार पर संविधान चाहिए, लेकिन यही उंगली, इसी से बटन दबाना जी। जी शायद बिजली जी लाइट चली गई है, वो साफ दिख रहा है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी में हैं हमारे साथी प्रोफेसर रवि कांत जी, जल्दी जुड़ेंगे हम तक। और आना चाहता हूं तब तक शकील अख्तर जी आपके पास। शकील जी, बहुत कुछ चुनाव के दौरान चल रहा है, दावे प्रति दावे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोज एक नया खुलासा करते हैं। आज भी उन्होंने एक ट्वीट किया था कि आज मैं करने जा रहा हूं कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो पर एक बहुत बड़ा खुलासा। ये जो YouTube चैनल्स पे जो हेडिंग्स थम्स जो लगाए जाते हैं, वैसे ही शायद आजकल नरेंद्र मोदी जी YouTube चैनल्स ज़्यादा देखने लगे हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो ट्वीट भी अब बड़ा खुलासा, नया खुलासा की तरह कर रहे हैं। आज ही थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, मुझे हंसी आई और मैं सोचा कि अपने साथियों तक ये बात ज़रूर पहुँचाऊँ कि उन्होंने इस खुलासा शब्द का इस हिसाब से वहाँ जिक्र किया है अपने ट्वीट में। लेकिन जो खुलासा है वो शुक्रवार से लेकर आज गुरुवार तक, यानी 19 तारीख के बाद से आज 25 तारीख तक ये खुलासे पे खुलासे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रोज एक नई बात लेके आ रहे हैं, रोज रोज नई बात है। भारत के टुकड़े कर दिए, संविधान के टुकड़े कर दिए, धर्म के आधार पर देश को बांटा, और फिर विरासत टैक्स लगाने जा रहा है, जा रही है कांग्रेस। इनके मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग है, इनके मैनिफेस्टो में ये कह दिया गया है कि सारी संपत्ति लेकर मुसलमानों में बांट दिया जाएगा, क्या 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 नहीं, हो सकता है मैं कम ही बता रहा हूँ। लेकिन आपसे ज़रा समझना चाहता हूँ, धरातल पर आप रहते हैं, लोगों से मिलते जुलते बात करते सब हैं, कितना ये गहराई तक ये असर पड़ता हुआ दिखाई देता है, और क्या यहां से एक नए मोड़ की तरफ इस लोकसभा चुनाव को जाते हुए हम देख रहे हैं शकील अख्तर जी? राजीव जी, आपने जिस नए खुलासे का जिक्र किया तो हमें याद आया वही बात उन्हें नागवार गुजरी है, पूरी कहानी में जिसका जिक्र न था वही बात उन्हें नागवार गुजरी है जी। पूरे घोषणा पत्र में जिन जिन बातों का जिक्र नहीं है वही सब लेके आ रहे हैं कि घोषणा पत्र में ये है, घोषणा पत्र में ये है, घोषणा पत्र में ये है। और घोषणा पत्र में जो है वो अभी राहुल ने बताया, आपने राहुल की वो बाइट सुनाई, राहुल का वीडियो दिखाया जी। क्रांतिकारी राहुल ने क्या कहा कि लोकतंत्र और संविधान बचाने का ये चुनाव है। खुलासा राहुल को करना चाहिए था, मगर राहुल शायद अपने वोटर पे, समर्थकों पे, या देश की जनता कहना चाहिए उसको, देश की जनता पे ज्यादा यकीन करते हैं, तो उन्होंने लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए ये चुनाव है इतना ही कहा
उन्होंने खुलासा नहीं किया कि लोकतंत्र का मतलब क्या है और संविधान का मतलब क्या है। जनता पे विश्वास करने वाले लोगों में से हैं वो, लेकिन हम थोड़ा सा बताएंगे कि लोकतंत्र का मतलब क्या है। राहुल जब कहते हैं कि लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, वो बड़ा सिंपल है और जनता उसको समझ रही है। राहुल की गलती नहीं है, राहुल जानते हैं, राहुल और जनता के बीच में एक तादम्य बन गया है, राहुल जनता की भाषा समझने लगे हैं और जनता राहुल की भाषा समझने लगी है। लेकिन जब राहुल कहते हैं कि लोकतंत्र बचाना है, तो लोकतंत्र का मतलब है कि तुम्हारे पास जो वोट की ताकत है, जिसके लिए आज नरेंद्र मोदी गांव गांव घर घर जा रहे हैं, बार बार झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, वो वोट की ताकत तुम्हें बचाना है। जिस दिन ही वोट की ताकत खत्म हो गई, उस दिन कोई तुम्हारे पास आने वाला नहीं है। नड्डा जी भी नहीं आएंगे, मोदी जी की दुआ भूल जाइए आप, नड्डा जी को नड्डा जी नोटिस देने के लिए ही है खाली बने हुए। तो एक तो राहुल ने यह बताया कि इस वोट की ताकत तुम्हारे पास है, अभी तुम चाहे जिसको बिठा सकते हो, चाहे जिसको गिरा सकते हो। और वो डर जो मोदी जी कहते हैं कि मैं किसी से नहीं डरता, सब मुझसे डरते हैं, वो आपसे डर के इसीलिए आ रहे हैं। और दूसरा संविधान, संविधान को बचाना है। संविधान का मतलब क्या है? एक ही चीज है संविधान में जो इन्हें सबसे ज्यादा परेशान करती है। संविधान जो बदलने की बात इन्होंने की है, वो जो है उस आरक्षण को खत्म करना है जो बाबा साहब आंबेडकर ने दिया था। और वो आरक्षण जो लोग समझते हैं कि खाली नौकरी में से खत्म कर देंगे जी, या खाली शिक्षा में से खत्म कर देंगे, नहीं, वो आरक्षण जो है जो चुनाव क्षेत्र है वहां से भी खत्म करना है, हर जगह से खत्म करना है। ये पूरी लड़ाई इनकी जो है 70 साल में, जो ये बार बार कहते हैं कि ये हिंदुस्तान की सारी समस्याओं का जड़ आरक्षण है, उस आरक्षण को खत्म करना है। तो राहुल ने ये बता दिया आज बड़े स्पष्ट शब्दों में कि ये आवाज आपकी है, हमने तो सिर्फ इसको बनाया है। दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि चुनाव पूरा का पूरा यूपी पर आ गया। पहले बीजेपी चाहती थी फर्स्ट फेस के पहले कि चुनाव यूपी केंद्रित रहे, लेकिन जब पहले फेस का मतदान हुआ और वहां से जो रुझान आया, उसके बाद अब बीजेपी नहीं चाहती कि यूपी केंद्रित चुनाव हो, देश में के चुनाव में यूपी का नाम। लेकिन अब इंडिया गठबंधन चाहने लगा है। अखिलेश ऐसे ही नहीं आ गए, अखिलेश अगर सामने आए हैं तो इसका बहुत बड़ा मतलब है जी। फ्रंट फुट पे आके बैटिंग करना अखिलेश ने इसीलिए स्वीकार किया कि उन्हें दिखने लगा कि यूपी चमत्कार कर सकता है। और जो आप जिक्र कर रहे थे राहुल और प्रियंका का, तो हमारा इस मामले में सिर्फ इतना ही कहना है कि राहुल और प्रियंका के पास और कोई रास्ता नहीं बचा है जी, उन्हें आना ही पड़ेगा अगर वो चाहते हैं। देखिए राहुल जिस तरह फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, प्रियंका खेल रही है, प्रियंका का वो भाषण तो आज ये घर घर तक पहुंच गया है कि तुम क्या जानो मोदी जी मंगलसूत्र की कीमत। बहुत बड़ी बात कह दी, कुछ भी नहीं कहा और सब कह दिया उन्होंने उसमें, सब समझ गए क्या कहना चाहती हैं। और देखिए थोड़ा सा हमें टाइम और दीजिए आप जी, बिल्कुल। मंगलसूत्र की बात आ गई है, एक मिनट आपका समय लेना चाहता हूं, बस एक मिनट, एक अपील करनी है, एक घोषणा करनी है। अभी से दोस्तों, अभी से थोड़ी देर बाद इसी कार्यक्रम में आपको एक विस्फोटक इंटरव्यू दिखाने जा रहा हूं। वो इंटरव्यू है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का। जी हां, मल्लिकार्जुन खड़गे का इंटरव्यू, और इसी चुनाव पे अभी से थोड़ी देर बाद इसी कार्यक्रम के दरमियान आप देखेंगे, दौरान देखेंगे। और इन तमाम मसलों पे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने खुलकर बातचीत की है डीबी लाइव से हमसे। और इसमें ये जितनी बातें यहाँ शकील जी कह रहे हैं, हमारे तमाम साथी कह रहे हैं, आपके दिलो दिमाग में भी जितनी बातें हैं, तमाम बातों को पूछने की हमने कोशिश की और उन तमाम प्रश्नों का जवाब उन्होंने बहुत ही खुले दिल से दिया है। वो सब कुछ इसी कार्यक्रम के दौरान हम आप तक पहुंचाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे का इंटरव्यू देखना मत भूलिए इसी कार्यक्रम के दौरान। बने रहिए हमारे साथ। और इस कार्यक्रम में अभी जो चर्चा हम कर रहे हैं, इस लोकसभा चुनाव में कैसे नया मोड़ आ गया है, उस पर भी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने बहुत सारी बातें कही हैं। जी शकील जी, बस ये एक इंफॉर्मेशन अपने साथियों तक पहुंचाना था, इसलिए मैं आपको रोका था, माफी चाहूंगा जी। अपनी बात पूरी कीजिए, आगे बढ़ाइए। तो
हम भी आपको बधाई दे दें, बहुत शानदार इंटरव्यू आपने किया है कांग्रेस अध्यक्ष का, और जाहिर है कि दर्शक अभी थोड़ी देर बाद उस इंटरव्यू को देखेंगे। तो जनाब, हम ये कह रहे थे कि मंगलसूत्र का जिक्र आ गया और प्रियंका गांधी ने जो कहा कि मेरी माँ का मंगलसूत्र इस देश में कुर्बान हो गया, जिस मंगलसूत्र के जरिए गोदी मीडिया ये कह रहा था बीजेपी थी कि मोदी जी ने चुनाव को गर्मा दिया, तो प्रियंका गांधी के एक भाषण से वो सारी गर्मी जो है वो निकल गई। खैर, तो हम जो बताना चाह रहे थे वो ये है कि इस मंगलसूत्र का जिक्र मोदी जी ले आए, लेकिन उन्हें शायद नहीं मालूम, अब बता दिया होगा लोगों ने, तो वाजपेयी जी ने भी मंगलसूत्र का जिक्र किया था। और कैसे किया था? 1977 में जनता पार्टी जीत गई, और जब ये जीत जाते हैं, इनकी सरकार आ जाती है, तो इनको अब बातें ही बातें होती हैं सारी। उस वक्त क्या क्या बातें हुई कि हम ज्यादा बताना नहीं चाहते, मगर सबको याद होगी कि सब कुछ जो है वो क्या पिया जाए इसके ऊपर आ गया था कि हमारे प्रधानमंत्री रोज इसका पान करते हैं और जनता भी यही करे। खैर, तो कानून व्यवस्था की स्थिति सबको, जिन जिनको याद होगा कि 77 से पहले बहुत सारे आरोप, चाहे आप जितने लगा दो 75 और 77 के बीच के शासन पे, लेकिन कानून व्यवस्था बहुत सख्त हो गई थी, और 77 आने के बाद हालत यह हो गई कि महिलाओं के मंगलसूत्र छीने जाने लगे जी। औरतों का घर से निकलने पे बड़ी मुश्किल हो गई। तो इंदिरा गांधी ने कहा उस वक्त कि महिलाओं के सम्मान की रक्षा ये सरकार नहीं कर पा रही है और महिलाओं के मंगलसूत्र सड़कों पे छीने जा रहे हैं। तो जनाब वाजपेयी जी थे, सबसे बड़े बोलने वाले तो वही थे, तो उन्होंने क्या बयान दिया इसके ऊपर? इंदिरा जी के हर बात का जवाब वही दिया करते थे। तो वाजपेयी जी ने उस वक्त ये कहा कि मंगलसूत्र, मैं तो कुंवारा आदमी हूं, मैं क्या जानू मंगलसूत्र क्या होता है जी। और आज दर्शकों को हम बता दें कि यह बयान ठीक वैसा ही था जैसे आज की मंत्री निर्मला सीतारमन कहती हैं कि मैं क्या जानू प्याज कितनी महंगी हो गई है, मैं तो प्याज खाती नहीं हूं। तो वाजपेयी जी मंगलसूत्र नहीं जानते थे, तो कह दिया कि मंगलसूत्र मैं क्या जानू। तो आज जब उस मंगलसूत्र को मोदी जी लाए, तो आपको सबको मालूम होगा कहीं पे भी कोई महिला और कोई बीजेपी का भक्त भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि जो मोदी जी ने कहा है वो सही कहा है। ये मंगलसूत्र तो मुगलों के समय भी रहा, ये मंगलसूत्र तो अंग्रेजों के समय भी रहा, और कांग्रेस का जो शासन रहा उसको 55 वर्ष कहा है प्रियंका गांधी ने कि 55 वर्ष शासन रहा कांग्रेस का, और उस 55 वर्ष के शासन को 70 वर्ष कहते हैं, जाने क्या क्या आरोप लगाते हैं, लेकिन कोई आदमी एक घटना बता दे ऐसी। बल्कि हुआ यह कि इंदिरा गांधी ने अपना सारा सोना उतार के देश को दे दिया था, वो 62 का युद्ध था, 1962 का चीन वाला युद्ध जी। और वो भी एक बात बता दें हम कि इंदिरा गांधी नहीं, देश के अधिकांश महिलाओं ने दिया था, सबको याद होगा, हमें भी याद है उस वक्त की, बहुत छोटे थे, मगर घर की महिलाओं का वो कि जाहिर है कि उस वक्त घर की महिलाओं में इतना ज्यादा जोश था कि घर के अगर पुरुष भी रोक रहे थे तो रुकने को तैयार नहीं थी, पूरा जेवर फुल उतार के वो दे देती थी। तो उस वक्त जब बाद में वो देखा गया, एक चादर हुआ करती थी, उसमें सब डाल दिया जाता था, गुप्तदान उन दिनों बहुत ज्यादा कहलाता था, किसी को मालूम पड़े क्या दिया क्या नहीं दिया, बहुत सारी खोटी चवन्नियां भी निकली थी जी। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो खोटी चवन्नियां भी डालते थे, जिनके लिए खोटी चवन्नियों का ही महत्व था। तो ये जो चुनाव है इसमें अब मजा आना शुरू हो गया है। पहले लोगों को यह लग रहा था कि 400 पार का मोदी जी ने नारा दिया है और मोदी जी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज वाकई स्थिति यह हो गई है कि चुनाव यह कांटे का हो गया है, पूरी तरह कांटे का हो गया है। कल दूसरा फेज का जब मतदान हो जाएगा उसके बाद और समझ में आएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता, मगर आज की तारीख में आप ये बहुत सही तरीके से कह सकते हैं कि ये चुनाव आज की तारीख में कांटे का हो गया है। और इस चुनाव में कांग्रेस ने और इंडिया गठबंधन ने जैसी वापसी की है या जिस तरह से बढ़त बनाई है वो आश्चर्यजनक है। और सेकंड फेज में अगर फर्स्ट फेज वाला ही रुझान रहता है तो फिर मोदी जी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल शुरू होने वाली है, और
उनके भाषण जो है वो कहां जाएंगे वो कहना बहुत मुश्किल है, वो किस स्तर पर जाएंगे। जी राजीव जी, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, किस स्तर पर जाएंगे। कल के बाद अब 7 मई को तीसरे फेज का मतदान है, लेकिन कल का जो मतदान है, कल की जो वोटिंग है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उस लिहाज से भी, क्योंकि 8 और +8 16 सीटें उत्तर प्रदेश की हो जाएंगी, उधर राजस्थान की सारी सीटें हो जाएंगी, उधर कर्नाटक में शुरुआत हो जाएगी चुनाव की, तो बहुत कुछ पहले और दूसरे फेज को लेकर 180 सीटें, 88 सीट दूसरे फेज में कल और 102 सीटों पर ऑलरेडी मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। और पहले फेज के बाद से नरेंद्र मोदी इतने परेशान क्यों हैं, क्यों वो इतना ज्यादा अग्रेसिव होकर उन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट जो है 1951 उसका उल्लंघन करता हुआ दिखाई देता है। चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है, डायरेक्ट नरेंद्र मोदी को नहीं बल्कि उनकी पार्टी को, उनके अध्यक्ष को नोटिस भेजा है। पैरेलली उन्होंने, चुनाव आयोग ने एक नोटिस इधर मल्लिकार्जुन खड़गे के पास भी भेजा है राहुल गांधी को का जिक्र करते हुए। तो दोनों पार्टियों के अध्यक्ष के पास और दोनों के स्टार प्रचारकों के नाम जो ये नोटिस है, ये क्या कुछ कहता है, ये सारी चीजें इसमें हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके अलावा एक सूचना ये जो अभी से पहले आपको पहुंचा चुका हूं एक बार फिर से, कि जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए, कि इसी चर्चा के दौरान हम आप तक लेकर आएंगे एक बहुत ही शानदार विस्फोटक इंटरव्यू मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के प्रेसिडेंट उनका अभी से थोड़ी देर बाद, जिसमें उन तमाम सवालों का जवाब है जो आज के समय में चुनाव के दौरान, इस चुनाव अभियान के दौरान तमाम सवालों का जवाब आप ढूंढेंगे। क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रायबरेली और अमेठी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, यहाँ से लेकर कॉमन मिनिमम प्लान तक और राम मंदिर क्यों नहीं गए से लेकर, ऐसे तमाम सवाल, मुद्दे क्या हैं, संविधान की बात क्या है, क्यों आपके अकाउंट फ्रीज हो गए, ये तमाम बातों, तमाम सवालों का जवाब आप उसमें सुनेंगे। और क्या इस लोकसभा चुनाव में अब एक नया मोड़ आ गया है, ये भी समझेंगे खुद मल्लिकार्जुन खड़गे से, उनका इंटरव्यू थोड़ी देर बाद इसी चैनल पे। आप बने रहिए, इसी प्रोग्राम के दौरान आप तक हम पहुंचाएंगे। आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास, आपसे भी जरा समझूं, क्या आपको लगता है कि पहले से दूसरे फेज के बीच में बहुत कुछ बदल चुका है? काफी कुछ बदल चुका है राजीव जी। और मैं पहले चरण से और दूसरे चरण के बीच में जो हो रहा है, जो आज शाम तक जब आपसे हम बात कर रहे हैं तब जो हो रहा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि उसका रिफ्लेक्शन कल सुबह से दिखाई देगा। और पिछली बार जब पहले चरण के पहले मैंने एक एग्जिट पोल का जिक्र किया था कि अगर बीजेपी को वोट अच्छे नहीं मिले तो प्रधानमंत्री मोदी हिंदू मुसलमान करने लग जाएंगे, तो वो एग्जिट पोल तो सही साबित हुआ। दूसरी बार का एग्जिट पोल भी आज करूँगा मैं। अब एक महत्वपूर्ण बात और कर लेते हैं, क्योंकि आज मोदी जी ने फिर कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेके एक बड़ा झूठ बोला। अब वो कह रहे, पहले उन्होंने कहा कि कांग्रेस विरासत कर लाना चाहती थी, उन्होंने बोला और एक घंटे के अंदर ये आ गया कि जी जयंत सिन्हा जो उस वक्त के वित्त राज्य मंत्री थे वही उसको ला रहे थे, वकालत कर रहे थे। जब वो झूठ पकड़ा गया तो आज एक नया झूठ ले आए वो जी। वो तो बहुत मनोहर कहानियों के अच्छे संपादक बन सकते थे। अब वो नया झूठ क्या लाए कि टैक्स इसलिए विरासत टैक्स लाया कि राजीव गांधी इंदिरा गांधी की संपत्ति पाना चाहते थे। शकील जी बता सकते हो डिटेल में, इंदिरा गांधी ने आनंद भवन समेत अपनी सारी पैतृक संपत्ति 1970 में ही नेहरू मेमोरियल फंड में दे दी थी, दान कर दी थी। और एक और वाकया, जयप्रकाश नारायण और इंदिरा गांधी के बीच में बड़ा लव एंड हेट रिलेशनशिप था, दोस्ती दुश्मनी दोनों चीज थी, जेल में भी डाला। जब जयप्रकाश नारायण अस्पताल में भर्ती हुए जसलोक में, तो इंदिरा गांधी उनसे मिलने गई, उनके घर भी गई। जब वो घर गई उनके, तो जयप्रकाश नारायण ने उनसे पूछा कि तुम्हारा खर्चा कैसे चलता, सरकार चली गई है,
तो इंदिरा गांधी ने कहा कि मेरे पिताजी की जो किताबें हैं उनकी रॉयल्टी आती है जी। अब आप सोचिए कि एक तो इस डेमोक्रेटिक संस्कार को देखिए कि बातचीत का स्तर इमरजेंसी में जेल में डालने के बाद जयप्रकाश नारायण से पूछे इंदिरा गांधी ये बता रही, ये बिल्कुल डिफरेंट युग के डिफरेंट ग्रह के व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी, मतलब इस संस्कार से वो आते ही नहीं है। अब उनके अच्छा पहली बात, दूसरी बात की इनहेरिटेंस टैक्स है राजीव जी, वो तो बड़ा लॉजिकली आप सोचे कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई उसके बाद ही वो उसका उसके बाद वो नहीं वो बैक डेट में जाके नहीं होता है जी। तो जनता कुछ भी झूठ बोल रहे हैं कुछ भी। लेकिन अब मैं मुद्दे पे आता हूं जो आपका सवाल है। देखिए पहले चरण के मतदान में खामोशी थी, उस खामोशी से मोदी साहब दहल गए, राजस्थान में वो आपा खो बैठे और मुस्लिम लीग और क्या ना क्या आ गए। एक बार भी वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो की चर्चा कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी एक बार भी अपने मैनिफेस्टो की चर्चा नहीं कर रहे हैं कि उनको तीसरी बार क्यों लाया जाए। दूसरी बात, जो तब्दीली आई राजीव जी बहुत नोटिसेबल है, जो मैं नोटिस कर रहा हूं कि जो खामोशी थी वो आवाजों में बदल गई जी। और बहुत तेजी से बड़े पैमाने पर युवा वर्ग, यूथ और महिलाएं, दो ऐसे वर्ग सामने आए हैं जो मोदी जी की चिंता बढ़ा देंगे सेकंड फेज में। बहुत मुखर तौर पर डेमोक्रेसी को लेके, लोकतंत्र को लेके, संविधान को लेकर, और एक बहुत जो बात मैंने नोटिस किया है दक्षिण से लेके उत्तर तक युवाओं में, जो युवाओं की आवाज़ें पहुंच रही हमारे तक, युवा क्या बात कर रहे हैं। युवा ईडी की कार्रवाई को लेकर भी एक ओपिनियन बना चुके हैं और उनसे जब रिपोर्टर सवाल पूछते हैं उस मीडिया के जो इनका समर्थक मीडिया है तो उसको कह रहे हैं वो युवा कि भाई वो भ्रष्ट जो है वो उसका क्या हुआ जो बीजेपी में शामिल हो गया। आपके वो रिपोर्टर से पूछ रहे हैं कि आप कह रहे हो कि कांग्रेस के लोग या विपक्ष के लोग भ्रष्टाचारी है, उनके ऊपर ईडी चली गई, तो कहते हैं ईडी जब वो बीजेपी में शामिल होते तब ईडी कहाँ चली जाती है। तो ये एक बड़ी तब्दीली युवाओं में, जो अभी तक बिल्कुल चुनाव से पहले चरण तक एक खामोशी थी, वो एक बहुत मुखर आवाज दो लोगों की सामने आ रही, महिलाओं की, बड़े पैमाने पर महिलाएं अब आके बोलने लगी हैं। और खासकर प्रियंका गांधी का जो मैसेज है मंगलसूत्र वाला, महंगाई के ऊपर, रोजगार के ऊपर, और रोजगार, महंगाई, और सबसे मुझे जो आश्चर्य हुआ कि भारत का जो भविष्य है, कल के नागरिक, कल के पत्रकार, कल के ब्यूरोक्रेट, कल के नेता, यही युवा है जी। बिल्कुल, और ये युवा रोजगार या महंगाई की बात कम कर रहे हैं, संविधान और लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। कितनी बढ़िया बात है। और ये आवाज जो है मोदी जी को बहुत परेशान करेगी, क्योंकि युवा ही तय करेगा इसका मतदान, इस पूरे सातों चरण का मतदान। युवा चार जून को जब रिजल्ट आएगा तो आपको युवा की इस आवाज को सुनाई पड़ेगी बहुत जोर की। और दूसरी एक बात कि पहले चरण में और दूसरे चरण में जो आपने भी चर्चा किया कि मतदान का प्रतिशत गिरा था, उस मतदान के प्रतिशत से गिरने से मोदी जी को एक अलार्म बज गया था, और सेकंड फेज के बाद आप देखिएगा कि ये अलार्म और बजेगा। दूसरी चीज कि मोदी साहब अब यहाँ से सेकंड फेज के बाद क्या देखना होगा, कोई नया एलिमेंट आएगा। अभी तक हिंदू मुसलमान आया, अब कोई नया एलिमेंट आएगा, भावना का आएगा, आंसू निकलेंगे। सेकंड फेज के बाद इमोशनल ड्रामा जो है
वो हमको देखने को मिलेगा। इमोशनल ड्रामा अगर मिलता है तो समझ लीजिए कि सेकंड फेज भी वैसे ही गया जैसा प्रथम पहला चरण गया था। राजीव जी, सेकंड ड्रामा अभी तक तो गुस्सा दिखाई दे रहा है, क्या इसके बाद भावनात्मक पहलू पे आ जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्या आंखों से आंसू, थोड़ा भावनात्मक, थोड़ा यहां पर गला रौंधता हुआ, पानी पीते हुए ठहरते हुए, ये सब देखेंगे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, चश्मा उतारते हुए फिर आंखें पोंछते हुए, ये सब कुछ, क्योंकि ऐसा सब कुछ देखा है इसलिए कह रहे हैं। यहाँ कुछ भी एग्जेजरेशन नहीं है, कुछ भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया जा रहा है न कहा जा रहा है, जो कुछ है वही यहाँ हम रख रहे हैं। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, क्या आपको भी लगता है छत्तीसगढ़ में भी कल चुनाव है, आपको लगता है कि पहले फेज से लेकर दूसरे फेज में बहुत कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, लेकिन अगर बहुत कुछ आपके नज़र में लग रहा है तो वो भी रखिए कि क्या कुछ आपको लग रहा है, कौन किस पर भारी है दूसरा चुनाव? देखिए, पहले तो राजीव जी अब शर्तें लगनी शुरू हो गई है कि मोदी जी दूसरे राउंड के बाद रोएंगे या तीसरे राउंड के बाद रोएंगे, ये बकायदा शर्तें लग रही हैं। इसमें फेसबुक पे आप अगर जाइए, सोशल मीडिया पे, तो लोग पूछ रहे हैं कि बताइए कौन से राउंड के बाद रोना शुरू होगा। दरअसल ये है कि साहित्य में जो नौ रसों की बात है, वो सारे रसों की जो है ना वो दिखा रहे हैं हमारे मोदी जी। रौद्र रूप भी दिखा चुके हैं, वो वात्सल्य भी दिखा चुके हैं महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति, नौ रूप जो है रसों के, नौ रसों की बरसात जो है वो इस दौरान कर रहे हैं। मुख्य रूप से अब देखिए, कल वो अंबिकापुर में भी थे, अंबिकापुर में भी उन्होंने उसी नरेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश की और वहां पे उन्होंने एक और बात जोड़ दी। मतलब ये बड़ी मजेदार बात है, जो LIC का जो वाक्य है, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के बाद भी, एक शासकीय उपक्रम के बाद भी, जी के बाद भी, ये जो शासकीय उपक्रम का जो एक ऐसा महत्वपूर्ण ये उद्घोष है, लोगो है, कोष है, कि जो हम लोगों के सबकी जिंदगी के साथ, भारतीयों की जिंदगी के साथ जुड़ा है, उसको बहुत ही खराब ढंग से उन्होंने रिप्रेजेंट वहां पे क्या किया। कांग्रेस जो है, कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार है, वो कांग्रेसी जो है नेता जो है वो उनके जिंदगी के पहले भी था, बाद में भी है और आखिर तक रहेगा। बताइए, वाकई बहुत ही दयनीय स्थिति है मोदी जी की कि उनको अपने भाषणों का स्तर जो है इस कदर गिराना पड़ रहा है। आज जयराम रमेश ने एक बहुत अच्छी बात कही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा भारत के इतिहास में यह पहला प्रधानमंत्री है जो विपक्ष के घोषणा पत्र का प्रचार कर रहा है। मतलब अब लोगों के बात में ये ध्यान आ गई कि आपके पास खुद का कहने के लिए कुछ भी नहीं है और आप पूरा का पूरा जो आप बैंकिंग है आपकी जो है, आप पूरे जो आश्रित हैं वो विपक्ष के मुद्दों पर आश्रित हैं, ये बात साबित हो गई है। इसका मतलब कि पहली जीत आपकी यहीं पर हो गई कि पुराने समय में पिछले दो चुनावों तक क्या होता था कि विमर्श जो है वो भारतीय जनता पार्टी रचती थी, वो गढ़ती थी और उस पर जाकर कांग्रेस को खेलना पड़ता था। आज जयराम रमेश ने बार बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप जो भी बात कीजिए, हम उस पिच पे नहीं आने वाले, हम अपनी पिच पर खेलते रहेंगे। उन्होंने बहुत ही साफ कह दिया है, आप देखिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इसके अलावा लोगों को सामने अब ये बात जाने लग गई है कि मोदी जी जो बहुत सारा कुछ कर रहे हैं, इनमें अब वो बात नहीं रह गई है। हम युवाओं की बात करें, युवा बड़े बड़े पैमाने पे आकृष्ट हो रहे हैं इस न्याय पत्र के मामले को लेके। उसका कारण यही है कि 2014 तक, जो 2014 से आप 2019 तक मान लीजिए, कि जो युवा थोड़ी बहुत भी चेतना जैसी उसकी जागृत होती थी, वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और RSS के विचारों का प्रसार प्रसार करने लगता था और उसी नरेशन में खुद भी खो जाता था, उनकी बातों पे विश्वास करने लग गया था। अब उन्हें ये पता चल गया है कि हमारे सामने बहुत जल्दी ही रोजी रोटी का बहुत बड़ा संकट आने वाला है, इसलिए आज उसे जो आकृष्ट कर रही है कांग्रेस की जो बातें हैं वो सारी ये है। ये जो अपील अभी जो राहुल गांधी की आपने दिखाई, ये बहुत चल रही है पूरे हिंदुस्तान में, समय इसको बहुत वायरल हो रही है और वो बता रहे हैं कि ये हमारा अपना घोषणा पत्र नहीं है, न्याय पत्र नहीं है, ये न्याय पत्र जो है आपका ही न्याय पत्र है। इसका मतलब है लोगों से हमने लिया है तो अब इसे सफल करना जो है वो भी आपका ही काम है। जिस समय राहुल गांधी ने बहुत सारी चीजें शुरू की थी राजीव जी अपनी पैदल यात्रा के दौरान, तो लोगों को बहुत ज्यादा समझ ही में ही नहीं आ रही थी, या समझ में आ रही थी तो इग्नोर कर रहे थे, लेकिन अब वो जाति जनगणना के बारे में गंभीरता से सोचने लग गए हैं, वो लोकतंत्र के बारे में सोचने लग गए हैं, वो इस लोकतंत्र के साथ अपने भविष्य को जोड़ने लग गए हैं। मुझे लगता है कि पहले फेज और दूसरे फेज में बड़ी बात यह होने जा रही है। पर पहला जो फेज हो गया 19 तारीख का और कल जो होने वाला है, इसके साथ साथ 190 सीटें जो है वो निपट जाएंगी, अब बच जाएंगे 353 सीट। अब आप हिसाब लगा लीजिए, केवल इन दो फेज का चुनाव हो जाने के बाद
और एक बहुत सामान्य आकलन अगर हम करते हैं तो आप जान लीजिए कि 400 का पार का जो नारा है वो बहुत ही दूर की कौड़ी है, बहुत ज्यादा दूर। मैं एक एक सीट पे एक एक राज्य के ऊपर नहीं जाऊंगा क्योंकि इसके ऊपर हम चर्चा करते रहे, लेकिन अब सामान्य सी बात है कि पहले भी फेज में जो हालत बुरी हुई है बीजेपी की, और अब कल के बीच में आप देखिए बहुत सारे ऐसे इक्वेशन है, ऐसे समीकरण है कि बढ़त जो है वो इंडिया गठबंधन को मिलने जा रही है। पहले इंडिया गठबंधन ने जो बढ़त बनाई है वो बढ़त और बन जाएगी दूसरी पारी में, उसके बाद इसको भरपाई करना मुझे नहीं लगता कि इंडिया एनडीए के लिए संभव होगा। स्थिति बहुत बदल गई है, अब बहुत तेजी से हम देख रहे हैं कि इंडिया के पक्ष में जो है एक माहौल बन रहा है, और ये माहौल जो है अब मुझे लगता है कि सातों फेज में यही चलेगा और लगभग यही तौर तरीके से दोनों पार्टियां लड़ेंगी। और हम जो भाषा में जो गिरावट देख रहे हैं, जो बहुत ही खराब शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं मोदी जी, निश्चित रूप से ये उसी का परिणाम। राजीव जी, निश्चित रूप से ये उसी का परिणाम है, भाषा में गिरावट। और पहले फेज और दूसरे फेज में क्या फर्क है, इस बीच क्या कुछ हुआ है, भाषा में क्यों गिरावट है, और इसके आगे क्या कुछ देखेंगे, और पहले फेज में कौन आगे कौन पीछे, इस पे भी खूब चर्चा हुई सोशल मीडिया, डिजिटल चैनल्स और तमाम जगहों पे, और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी इसकी चर्चा खूब रही है। लेकिन अब सेकेंड फेज, और सेकेंड फेज से पहले आज चुनाव आयोग को भी आखिर में नोटिस जिस भी ढंग से हो जारी करना पड़ा अभी तक, सो या चुनाव आयोग, आज उसे कुछ ना कुछ पूछना पड़ा है, आखिर क्यों ऐसा हुआ है, क्या कोई प्रेशर अब चुनाव आयोग के ऊपर भी है, ये सारी चीजें जरा आना चाहता हूं। अमलेंदु उपाध्याय जी, कैसे देखते हैं आप इस चुनाव को, चुनाव को पलटते चुनाव पे में दूसरे दौर में कौन भारी, ये हम पूछ भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं और उसको जानने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन एक नया मोड़, एक नया ट्विस्ट, उसकी चर्चा भी कर रहे हैं, कैसे आप देखते हैं? अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही। नहीं नहीं आ रही है, माइक जरा जोड़िए। प्रोफेसर रविकांत जी के पास आता हूं इन्हीं सवालों के साथ। जी प्रोफेसर साहब, देखिए चुनाव आयोग की थोड़ी सी निद्रा टूटी है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत बेशर्मी के साथ जो चुनाव आयुक्त हैं वो काम कर रहे हैं। अभी किसी से ढका छिपा नहीं, और ये कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है, कोई मुझे उसमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि चुनाव आयोग एक तरफा काम करता है। ये जो नोटिस उन्होंने दिया वो कितना स्ट्रेटजी के साथ दिया, कांग्रेस पार्टी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को, जेपी नड्डा को भी, ताकि हम इसको टाई कर दें और मोदी जी को ये क्लीन चिट मिल जाए, वो लगे रहे जी। सरासर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन, माने जरा भी जो व्यक्ति चुनाव आचार संहिता के बारे में जानता है, चुनाव को देखा ही जिसने होगा, उसे मालूम है कि आप सेना के आधार पर, आप धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकते। लेकिन जब लोग बहुत झूठ बोलते हो, ये तो राम की बात करने वाले लोग हैं, धर्म की बात करने वाले लोग हैं, लेकिन 24 घंटे झूठ फरेब, और कई बार मुझे ये लगता है कि मोदी जी राम मंदिर का उद्घाटन करने गए, राम जी को भी कैसा लगा होगा कि कैसे व्यक्ति के द्वारा मेरा उद्घाटन हो रहा है, मेरे मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। झूठ बोलना, लोगों से छल कपट करना, लोगों पर प्रहार करना और वहां तक चले जाना, महिलाओं का क्या सम्मान है उनके दिल में? उन्होंने कांग्रेस की विधवा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, मणिपुर की महिलाएं जब उनकी इज्जत तार तार हो रही थी तब मोदी जी ने एक बार भी नहीं देखा, जो महिला पहलवान थे वो पीटे जा रहे थे, एफआईआर उनके ऊपर हुई तब ये कभी नहीं देख रहे, और वो आज कह रहे हैं कि साहब महिलाओं की मंगल सूत्र भी नहीं बचने देंगे। प्रियंका गांधी ने सही कहा कि एक चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो नरेंद्र बाबू, एक मंगलसूत्र की कीमत तुम क्या जानो। जिस व्यक्ति ने अपनी पत्नी के मंगलसूत्र की परवाह नहीं की, उसका सम्मान नहीं किया, वो इस देश की करोड़ों महिलाओं से कह रहा है कि नहीं हम सम्मान करेंगे। तो ये झूठ सीधे तौर पर लोगों ने समझ लिया है। आज आप किसी 10 साल के बच्चे से भी पूछिएगा या 70 साल के बुजुर्ग से भी पूछेगा कि मोदी जी ने आज ये बात कही, मोदी जी ने आज ये वादा किया,
तो वो आपको सीधे तौर पर कहेगा कि झूठ बोला, मोदी तो झूठा है, ऐसे लोग बोलते हैं। आप हरियाणा चले जाइए, जैसे जिस तरह से वो लोग बात करते हैं, आपको आश्चर्य होगा कि ऐसी भाषा में, हम लोग थोड़ा उस तरह से बात नहीं करते, लेकिन वो लोग ऐसे ही कहते, अरे वो तो बड़ा झूठा है। तो जहां प्रधानमंत्री की ये इमेज हो गई हो, उस देश में चुनाव के समय, और जो बात मैं कह रहा था, अचानक मेरे यहां बिजली चली गई, जी जी, जिस बात को मैं कह रहा था कि बाबा साहब के जो प्रतिमा है, जो पूरी दुनिया में फेमस है, वही इसमें बाएं हाथ में संविधान है, और वो जो उंगली का इशारा है, उसकी तमाम व्याख्याएं हुई, लेकिन मुझे लगता है कि आज जब वो ये कह रहे हैं, जब ये संकेत है, तो इस देश के करोड़ों दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, कि इसी उंगली का इस्तेमाल करना है संविधान बचाने के लिए, जरूरी है, क्योंकि इसी ने इन तमाम हाशिए के तबकों को मनुष्य होने की आजादी दी, लोगों का जीवन बेहतर हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी है कि उसी संविधान को ताक पर रख करके, बल्कि उसको खत्म करने के मंसूबे से, 400 पार का जो आपने नारा दिया, लोगों ने स्पष्ट कर दिया कि क्यों चाहिए। लेकिन इस देश के लोग लोकतंत्र और संविधान को कितना प्रेम करते हैं, और ये ऐसे नहीं मिल गया, इनके पुरखे तो उस समय अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, जब यहां भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, जिसमें हजारों लोग शहीद हो गए, उस समय आप अंग्रेजी सेना के अंग्रेजों को चिट्ठियां लिख रहे थे कि कैसे आपको इसको दबाना है। जब सुभाष चंद्र बोस की जो सेना थी, वो जब लड़ाई कर रही थी अंग्रेजों के खिलाफ, उस समय ये अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, आजाद हिंद फौज के खिलाफ काम कर रहे थे। तो उन लोगों को नहीं मालूम है ना कि आजादी क्या है, उन्हें नहीं मालूम है कि लोकतंत्र क्या है, उन्हें तो सिर्फ सत्ता और वर्चस्व चाहिए। लेकिन जो लोग हैं इस देश के, जो मालिक हैं इस देश के, अंबेडकर ने एक बात कही थी कि हमें लोगों की सरकार चाहिए, लोगों के लिए नहीं चाहिए। लेकिन मोदी जी 5 किलो राशन देंगे, थैंक यू मोदी जी, वैक्सीन देंगे तो थैंक यू मोदी जी, ये आप क्या परवरदिगार हैं क्या, या आप राजा हैं, आप राजतंत्र समझने लगे हैं लोकतंत्र को। लोगों की सरकार चाहिए, और लोग अपनी सरकार बनाने के लिए, जो उनके हितों का संरक्षण करे, जो उनके लिए संविधान और लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करे, ऐसी सरकार बनाने के लिए। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये चुनाव लोग लड़ रहे हैं, इतनी तैयारी नहीं थी इंडिया अलायंस की, लेकिन सब कुछ भुला दिया। महाराष्ट्र में कल क्या हुआ, वहां के तमाम अंबेडकरवादियों ने समर्थन दे दिया बिना शर्त के, जो बहुजन विकास अघाड़ी है प्रकाश अंबेडकर की, उसके कई प्रत्याशियों ने विड्रॉ कर लिया कि साहब हम इसके गुनहगार नहीं होना चाहते कि हमारी वजह से बीजेपी जीत गई, इंडिया अलायंस हार गया, वो विड्रॉ कर रहे। कल दिल्ली में संभवतः 144 राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया बिना शर्त के कांग्रेस पार्टी को। तो ये जो हवा चल रही थी पहले फेज के पहले, राजीव जी, इस समय ये तूफान बन चुकी है। और इस तूफान में भारतीय जनता पार्टी के टेंट तंबू सब उखड़ गए जी, इसीलिए मोदी जी हकलाने लगे, वो इस बात को समझ रहे हैं। तो आप चुनाव आयोग भी नहीं बचा पाएगा आपको, और कोई जितनी संस्थाओं को, और डर क्या है, जो आपने पूछा ना कि ये भले ही शर्म लिहाज से इन्होंने किया, राहुल गांधी ने वो बात भी कही थी कि वो सुधर जाए, वो संभल जाए, आज नहीं तो कल सबको दुरुस्त किया जाएगा, जो जो गलत काम कर रहे हैं सजा तो मिलेगी, चाहे उसमें चुनाव आयुक्त तो हो या फिर कोई प्रशासनिक अधिकारी। आप देश के खिलाफ लोग, मैं तो इसको देशद्रोही मानता हूं, क्योंकि डेमोक्रेसी के आप रक्षक हैं, आप उसके संचालक हैं, और संचालक ही रेफरी अगर बेईमान हो जाएगा तो डेमोक्रेसी कहां जाएगी। तो आप तो देशद्रोह कर रहे हैं, और इसीलिए राहुल गांधी ने जो बात कही कि बख्शा किसी को नहीं जाएगा, और उसी डर थोड़ा लिहाज की वजह से ये नोटिस गया है। हालांकि वो पूरी तरीके से छोड़ दिया है उन्होंने
कि मोदी जी चाहे रोएं, चाहे नफरत फैलाएं, कुछ भी करें, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस देश के लोग लोकतंत्र के लिए खड़े। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, अभी से थोड़ी देर बाद आप देखेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उसके साथ साथ वो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उनका इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव विस्फोटक इंटरव्यू इसी प्रोग्राम के दौरान। एक छोटा सा टीजर आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, देखिए जरा। हम चाहते हैं कि भाई जब लेवल प्लेइंग ग्राउंड किसी डेमोक्रेसी में नहीं है तो बड़ा मुश्किल ये होता है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं होते जी। उनके लोगों के मुंह से कहलाते हैं तो वो खुद नहीं कहते, खुद तो ये करते कि खुद बाबा साहब अम्बेडकर अगर आए तो भी हम बदलने वाले नहीं जी। तो ऐसे कोई ऐसा स्टेट्समैन या कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं बोलेगा। लोगों को इसका महत्व अभी मालूम नहीं हुआ। आजादी के पहले कोई वोट मांगता नहीं था और कोई वोट के लिए कोशिश भी नहीं करता था। गजब की बात ये भी है, मोदी खुद बोलते हैं ये मोदी की गारंटी जी, मोदी है तो मुमकिन है जी, मोदी की 56 इंच छाती के सामने कोई इसको रोक नहीं सकता। ये मई बोलने वाला शब्द डेमोक्रेसी में हम क्या कर रहे हैं? हम तो यही चाहते हैं कि जाति जनगणना करने से जी समाज को फोड़ने का नहीं, जैसा ब्रिटिश जमाने में भी पहले जाति जनगणना थी। तो आप सुन रहे थे, देख रहे थे एक छोटा सा टीजर, थोड़ी देर बाद आप पूरा इंटरव्यू देखेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, हर मसले पे, हर मामले पर बहुत खुलकर अपनी बात रखते हुए, और एक्सक्लूसिव ये इंटरव्यू थोड़ी देर बाद इसी प्रोग्राम के दौरान हम आप तक पहुंचाएंगे। बस 5-7 मिनट का और इंतज़ार कीजिए। आना चाहता हूँ जल्दी से शकील अख्तर जी आपके पास। शकील जी, आपके पास आऊँ उससे पहले ज़रा हमारे साथी अमलेंदु जी के पास आना चाहता। अमलेंदु जी, मेरी आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी उस समय। जी, मेरी आ रही है आवाज़? जी जी, क्लियर आ रही है, बिल्कुल आ रही है। प्लीज अपनी बात रखिए। जो सवाल था कि बहुत कुछ क्या बदल चुका है पहले फेज से लेके दूसरे फेज में, और दूसरा फेज किस दिशा में जाता हुआ दिखाई देता है? राजीव जी, पहले फेज के बाद पूरे 7 फेज बदल चुके हैं, और परेशानी भारतीय जनता पार्टी की यही है कि पूरी तरीके से चुनाव बदल चुका है, और जो आशा कर रहे थे कि 7 चरणों में चुनाव कराने का भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, बल्कि अब ये भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त तरीके से नुकसान हो रहा है। अगर ये चुनाव, एक जो नारा था मोदी जी का एक राष्ट्र एक चुनाव, अगर ये एक राष्ट्र एक चुनाव करवा देते तो शायद कुछ फायदा भी हो जाता, लेकिन अब जैसे जैसे चरण आगे बढ़ते जाएंगे मोदी जी की पोल पट्टी वो जनता के सामने खुलती चली जाएगी, और मोदी जी खुद अपनी पोल पट्टी खोलते चले जाएंगे। राजीव जी, जयराम रमेश जो कह रहे थे कि मोदी जी पहले प्रधानमंत्री है जो विपक्ष का जो है वो मैनिफेस्टो जो क्या कर रहे हैं, पहले नहीं है मोदी जी, मोदी जी पहले और आखिरी ऐसे प्रधानमंत्री है जो विपक्ष के मैनिफेस्टो का प्रचार कर रहे हैं। भूतों ने भविष्य की, मोदी जो भी काम करते हैं वो पहली बार और आखिरी बार ही करते हैं, तो मोदी जी 70 सालों में ऐसे पहले और आखिरी प्रधानमंत्री हैं जो विपक्ष के मैनिफेस्टो का लगातार प्रचार कर रहे हैं। अब जो मोदी जी की भाषा राज्य की लगातार बदल रही है, उस भाषा बदलने का कारण ही यही है, क्योंकि मोदी जी के पास सूचना आ गई है कि अब 100 सीटें पार नहीं हो रही है, और ये सारी खिसियाड़ राज्य की उसी की दिखाई पड़ रही है कि अब 100 सीटें पाना जो है बीजेपी के लिए मुश्किल होता चला जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके के समीकरण बन रहे हैं और जिस तरीके की जनता के अंदर एक उत्साह देखने को मिल रहा है, सबको लग रहा है कि लगे हाथ इनसे जो है वो 10 सालों का हिसाब किताब चुकता करना है जनता को, राजीव जी ये लग रहा है। अब जो चुनाव आयोग ने राजीव जी जिस तरीके से नोटिस इशू किया है, तो ये तो चुनाव आयोग जो एक तरीके से कहा जाए कि गलत पते में चिट्ठियां भेज रहा है, मतलब आप जो है गलत पते, अगर आप मेरी चिट्ठी जो है वो प्रशांत जी के एड्रेस पर भेज देंगे वहां से बैरंग होके आएगी वो, तो गलत पते पर क्यों चिट्ठी भेजी जा रही है कि आपने जो है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग भेज दी? क्या चुनाव आयोग को नरेंद्र मोदी का घर का पता नहीं पता है? 7 रेस कोर्स या आप जो 7 लोग कल्याण हमारा हो गया सीधे सीधे वहां भेजते, अब जेपी नड्डा को वहां क्यों भेज दिया? जेपी नड्डा वहां गया, दफ्तर ही है जो बाहर रिसीव लगाकर भेज देंगे, इससे अलग क्या है जेपी नड्डा? तो चुनाव आयोग को थोड़ी हिम्मत दिखानी चाहिए, चुनाव आयोग स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, और चुनाव आयोग को भी जब ये मालूम पड़ चुका है कि मोदी जी जा रहे हैं तो इतना दबाव जब उसने, मतलब उसे मालूम है, लेकिन क्या वो मतलब आखिरी समय तक जो पूरे तरीके से कार्य है वो यारी दोस्ती निभाएगा मोदी जी के साथ में? ये संकट लगे भी समझा जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो दबाव में आया है चुनाव आयोग इतना भी कि उसने गलत पते की कम से कम चिट्ठी तो भेजी है, वो इसलिए आया है कि लगातार चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर आप देखिए मोदी जी के भाषण के बाद किस तरीके से चुनाव आयोग को जो है
लानत वनानत लोगों ने भेजी है, कम से कम राज्य 10,000 ट्वीट तो मैंने खुद देखे हैं जो चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठाते हुए थे। तो ये सब मिलाकर के जिस तरह की चीजें, तो मोदी जी का विचलित होना निश्चित तौर पर लाजमी है और यही संकट है भारतीय जनता पार्टी का कि मोदी जी अब राजनीति जाने वाले। जी 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 बिल्कुल। सेकंड फेज का चुनाव कैसे जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है? अमलेंदु उपाध्याय जी बोल रहे हैं सातों फेज, यहाँ पहले से लेकर सातवें तक सारे फेज में बदलाव हम देख रहे हैं और उसकी शुरुआत पहले फेज से हो चुकी है। शकील अख्तर जी, राहुल गांधी की जो ये अपील है और वहाँ से, कल वो ठकाठक की बात कर रहे थे, आज बहुत ही शांतचित्त होकर अपील कर रहे हैं, आखिर ये फर्क क्यों? कल एक अग्रेसिवनेस दिखाई दे रहा था, आज शांत हैं, सौम्य, बिल्कुल चुपचाप शांति से वोट मांग रहे हैं। फेस का चुनाव कहां जा रहा है ये तो अभी आपने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी के इंटरव्यू का एक हिस्सा दिखा के बता दिया, कितने कॉन्फिडेंस में खड़गे जी दिख रहे हैं। और दूसरी तरफ आप मोदी जी को देखिए तो उनका चेहरा लगातार उतरता जा रहा है, चिंतित दिख रहा है, उनका कॉन्फिडेंस कहां गया? तो ये चुनाव कहां जा रहा है ये अभी खड़गे जी का जब आप पूरा इंटरव्यू दिखाएंगे तो हमें लगता है कि आपके दर्शकों के साथ साथ जनता को भी समझ में आ जाएगा और कल जो सेकंड फेज में वोट डालने जो लोग जा रहे होंगे उनकी समझ में भी आ जाएगा। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी जो झूठ की बात हो रही थी, रविकांत जी बता रहे थे कि देश में लोग ये बोलने लगे हैं, सही बात है, मगर देश में पीएम की इमेज तो जो हो रही है वो हो रही है, सबसे बड़ी चिंता विदेश में है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अभी आपको मालूम होगा कि एक ऑस्ट्रेलियन पत्रकार को भारत छोड़ने पे बाध्य कर दिया गया जी, चुनाव के बीच में, ऐसा कभी नहीं हुआ, बीच चुनाव में। तो क्या हुआ कि देश में जितने भी विदेशी, आजकल तो बहुत बड़ी तादाद में आए हुए हैं विदेशी पत्रकार सारे के सारे, तो विदेशी पत्रकारों ने एक बड़ा मेमोरेंडम दिया है और उन्होंने इसका भारी विरोध किया है कि ये कौन सा तरीका है। आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने बड़ा विरोध किया है उसका, कि इस बीच में आप एक विदेशी पत्रकार को देश छोड़ने के लिए कह देते हैं। तो इंटरनेशनल स्तर पे जो लोग भी, आप तो पढ़ते हैं, खैर और भी बहुत सारे लोग पढ़ते होंगे, विदेशी अखबार पढ़ते हैं या उसमें एक नजर उन पे डालते हैं, उन सब में भारत के चुनावों पे बहुत गंभीर बहसें हो रही हैं और अच्छी दिशा में नहीं हो रही जिससे पहले होती थी, जिससे कहा जाता था कि भारत का लोकतंत्र पूरी दुनिया के लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है, भारत का चुनाव आयोग इतनी निष्पक्षता से और स्वतंत्रता से काम कर रहा है कि बाकी तीसरे देश के देशों को उससे सीखने की जरूरत है। उल्टी आज ये हो रहा है कि लोग चिंतित हैं कि भारत में डेमोक्रेसी का क्या होगा, यहां का चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्यों नहीं करवा रहा है, वो सत्ता पक्ष की तरफ झुका हुआ क्यों दिख रहा है। राजीव जी, स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो गई है और उसका कारण यह है, देखिए विदेश भी, जो विदेशी नीति भी होती है वो भी सब अपने अपने देश के हितों के अनुकूल चलती है। जब तक उन्हें लगता था कि मोदी जी हैं तो वो उस तरह से बर्ताव करते थे, आज शायद उन्हें कोई शंका हो गई है, उन्हें कुछ लगने लगा है। तो आज सारे बड़े बड़े जितने भी विदेशी अखबार हैं, विदेशी न्यूज एजेंसियां हैं, उनका रुख बदल गया है और इसका जो असर है वो बाकी जो भारत की चुनाव पे हो नहीं हो क्या हो वो एक अलग मुद्दा है, कौन आता है कौन नहीं आता, लेकिन हमारी जो इमेज है वो आज खराब हो रही है। और वो इमेज किसने बनाई थी? आज लोग बड़ी बातें करते हैं कि साहब हम विश्वगुरु हैं, ऐसा है वैसा है, अरे विश्वगुरु तो 120 देशों का नेता, गुटनिरपेक्ष देशों का नेता नेहरू हुआ करता था, दुनिया के सबसे बड़े देश उसके साथ थे, सबसे ज्यादा देश उसके साथ थे, इंदिरा गांधी हुआ करती थी कि जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति को डांट देती थी, कहती थी कि सातवां नहीं आठवां बेड़ा ही पहुंचा दो, बांग्लादेश आजाद होके रहेगा। विश्व नेता ऐसे होते हैं, ऐसे नहीं होते कि अमेरिका में जाके प्रचार करने चले जाएं कि अब की बार क्या नाम है उसका, ट्रंप सरकार, नाम भी भूल गए उस ट्रंप का, अब की बार ट्रंप की सरकार, वो कोई अच्छा इंस्टांस नहीं था। आज भी उसका मजाक उड़ रहा है पूरी दुनिया में कि भाई साहब अपना चुनाव देख लो, वो अमेरिका में चुनाव प्रचार करने चले गए थे,
तो राजीव जी, स्थिति बहुत तेजी के साथ बदल रही है और उसके बहुत सारे जो संकेत हैं वो दिख रहे हैं। जैसे एक बहुत बड़ा संकेत यही है कि आदमी अपना प्रचार करता है, अपनी बात कहता है, लेकिन लगातार जिस तरह कांग्रेस का प्रचार मोदी जी कर रहे हैं वो 2009 का चुनाव याद करवा रहा है। 2009 में क्या हुआ था, बहुत ही सारी बातें हैं, टाइम आपका बहुत कम है, लेकिन फिर भी लास्ट बात कह देते हैं। 2009 के चुनाव में पूरी बीजेपी जो है सोनिया गांधी और मनमोहन का प्रचार कर रहे हैं, और उस वक्त हमने लिखा था ये बात, पाठकों को याद भी होगी, नहीं तो वो अखबार में आजकल सब मिल जाता है वो, कि ये इतना आश्चर्यजनक बात था और कांग्रेस जीती थी। बिल्कुल, आडवाणी जी चुनाव खुद लड़ रहे थे, लेकिन प्रचार रात दिन सोनिया मनमोहन के फोटो पूरी जगह लगा दिए थे उन्होंने खुद। आज भी यही हो रहा है, आज मोदी जी चुनाव लड़के अपने घोषणा पत्र का कहीं जिक्र ही नहीं है, कहीं जिक्र ही नहीं है कि मेरे घोषणा पत्र में क्या है, कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या है। और कांग्रेस के घोषणा पत्र में जितना वो प्रचार कर रहे हैं उतना ही लोग ज्यादा पढ़ते जा रहे हैं, उससे उसको कांग्रेस को फायदा मिलता जा रहा है। जी राजीव जी, जी बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच एक सूचना और दे दूं दोस्तों कि कल ईवीएम पर फैसला आना है। ईवीएम पर, वीवीपैट पर जो चर्चा, जो बहस हुई, तीखी बहस, दो दिन तक हुई, उसके बाद तीसरी बहस कल हुई थी, और फिर अभी लिस्ट सामने है, सुप्रीम कोर्ट की लिस्ट, उसमें कल के लिए इसे लिस्ट कर दिया गया है। दो केस है ईवीएम पे, एक एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने और वर्सेस इलेक्शन कमीशन, और दूसरा है अरुण कुमार अग्रवाल वर्सेस इलेक्शन कमीशन। दोनों में मामला वही, वीवीपैट की 100% काउंटिंग हो, कल दिन भर वोटिंग है, और इसी बीच ईवीएम पर फैसला भी आना है। सब कुछ हम दिन भर आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन उसके अलावा अभी से थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे हम मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस प्रेसिडेंट, उनका एक शानदार विस्फोटक इंटरव्यू, उसको देखना मत भूलिए। एक छोटा सा कमेंट चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपसे भी। प्रशांत जी, जैसे अब उधर बढ़ेंगे हम मल्लिकार्जुन खड़गे के इंटरव्यू की तरफ, उससे पहले आपसे भी समझना चाहता हूं, क्या ये चुनाव बदल चुका है या पहले से बदला हुआ है? अनम्यूट कीजिए प्लीज। इलेक्शन कमीशन पे एक बात केवल कह दूं जी, कि जो अभी रविकांत जी बात कह रहे थे, देखिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन में नोटिस भेजने का कोई सिलसिला नहीं होता है। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है कि ये तुम आप भी लाओ, आप भी अपना एफिडेविट करो, आप जाके बहस करो। इलेक्शन कमीशन स्टार कैंपेनर की लिस्ट इसीलिए मंगाता है कि इलेक्शन कमीशन का कैमरा वहां होता है, अपना कैमरा, इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर होते हैं, उनकी रिपोर्ट आती है। इलेक्शन कमीशन को रियल टाइम बेसिस पे मालूम है कि नरेंद्र मोदी ने, राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, अखिलेश यादव ने क्या बात बोली है जो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, उस पर शिकायत भी जा चुकी है जी। तो अब आप नोटिस क्यों भेज रहे हैं? नोटिस भेज के कोई मुकदमा चलाना है आपको? जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा तब आप उस पर फैसला करेंगे। जो बात फर्स्ट फेज के बाद नरेंद्र मोदी ने कही, उसकी कंप्लेंट गई, तो उसका निस्तारण आप सेकंड फेज के शुरू में करेंगे ना, कि आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है कि आप सुनवाई करेंगे, उसकी वकीलों को बुलाएंगे। ये बड़ी गलतफहमी में और गलत परिपाटी डाल रहे हैं। दूसरी बात देखिए, जो आपने कही कि चुनाव उत्तर प्रदेश में चला गया, जो सतीश जी ने बात कही, देखिए चुनाव कल के बाद कहाँ जाएगा? प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, ये तीन लोग और अखिलेश यादव, ये चार लोग उत्तर प्रदेश से लड़ेंगे, बड़े चेहरे जी। वहाँ मीडिया होगा, वहाँ शोर होगा, वहाँ सोशल मीडिया होगा, हम आप भी यहाँ पे चर्चा करेंगे। अब आप देखिए कि इंडिया गठबंधन के तीन स्टार कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में होंगे, बीजेपी का नरेंद्र मोदी के अलावा और दूसरा स्टार कैंडिडेट कौन उत्तर प्रदेश है? कोई नहीं है। तो उत्तर प्रदेश एक नई बैटल फील्ड बनेगा, और इसके जो रिजल्ट आएंगे राजीव जी, वो चौंकाने वाले होंगे, मैं इसी बात से अंदाज लगा कह रहा हूँ। और दूसरी बात कि संविधान की बात वाकई मतलब हर घंटे वो और ज़्यादा नीचे पहुंच रही है,
उसको अब वो इरिवर्सिबल है। और एक आखिरी बात, कल भी कह चुका हूँ फिर कहूँगा कि देखिए समाज मतदान के चरणों में नहीं बटा हुआ है। ऐसा नहीं है कि लखनऊ और इलाहाबाद अलग अलग ढंग से सोच रहे हैं क्योंकि उनके चुनाव अलग अलग चरणों में होंगे जी। समाज एक ही चरण में सोचता है, मतदान के चुनाव मतदान के चरणों के हिसाब से समाज नहीं बटा हुआ है। तो जो ट्रेंड पहले फेज में हो गया वही ट्रेंड अब आगे भी बरकरार रहेगा, बल्कि ये प्रेसिपिटेट करेगा। और आप देखिएगा कि आवाजें जो यूथ की आवाजें महिलाएं की आवाजें आई और बढ़ेंगी। बिल्कुल 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 सही आप कह रहे हैं। अब सीधा दोस्तों आप सबके बीच रखना चाहता हूं वो विस्फोटक इंटरव्यू कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे का, जिसका इंतजार आप कर रहे थे। चुनाव का वक्त है, कल सेकेंड फेज, पहले फेज से सेकेंड फेज के बीच में क्या कुछ बदला है, ये चुनाव कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों के आधार पर लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी संविधान बचाओ की बात क्यों कह रही है, कांग्रेस क्या इस मुद्दे को गाँव गाँव तक पहुँचा चुकी है, ऐसे तमाम सवाल। इन सवालों के बीच सवाल ये भी कि क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने जा रहे हैं।